भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अखिल भारतीय कठेरिया समाज विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विपिन कठेरिया फतेहगढ़ के मोहल्ला ग्रानगंज में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां पर उन्होंने समाज में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर ग्रानगंज में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए अखिल भारतीय कठेरिया समाज विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विपिन कठेरिया ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, देश में शांति का माहौल है। आज हमारे समाज की बेटियां किसी से कम नहीं हैं, अब बेटियां सभी जगह सबसे ऊपर हैं। कार्यक्रम के संयोजक सहित तमाम सभी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने बताया कि खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं और हमारी और आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप मिलकर देश में व जिले का नाम रोशन करने वाली हमारी इन बेटियों को सभी संभव मदद कर इनका हौसला अफजाई करें, इससे कि हमारे देश प्रदेश जिले का नाम रोशन हो। जहां एक तरफ लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर हार मान जाते हैं, वही हमारी बेटियों ने नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने दो सगी बहनों सहित 13 खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जिसमें अर्चना कठेरिया राज्य एवं मंडल मेडल विजेता हैं, हॉकी प्रिया कठेरिया राज्य एवं मंडल विजेता हॉकी, अंजलि कठेरिया, नेहा कठेरिया, संध्या कठेरिया, अंकित दीपक कठेरिया, प्रियंका कठेरिया, नेहा, अमित, अर्जुन आदि का नाम शामिल थे। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि जल्द ही वह सरकार से इन बेटियों को मंडल व प्रदेश के स्टेडियम में खिलाएंगे। प्रिया कठेरिया ने बताया कि पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और स्वर्गीय भीमदत्त स्टेडियम में हॉकी का कोच भी नहीं है, इसलिए तैयारी नहीं हो पा रही है, हम लोग खुद ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इस पर डॉक्टर विपिन कठेरिया ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वह जल्द ही सरकार तक उनकी बात पहुंचाएंगे और जल्द ही फरुखाबाद को हॉकी कोच मिल पाएगा, खिलाड़ी नेशनल टीम में खेलकर समाज पर देश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस मौके पर दिलीप कठेरिया, डॉक्टर मोहित, राजीव कुमार, अमित, अंकित, टीटू, जनार्दन, विजय अनुरागी, मोनू बा और समाज के लोग मौजूद रहे। खेल कूद के क्षेत्र में आगे जा रही है। मुझे अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो प्रिया कठेरिया जी से मेरी वार्ता हुई है। मुझे उनकी वार्ता सुन के उनके जुनून और हौसले को लेकर इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आज के समय में अपने समाज में लोगों को ये दशा रहती है कि हमारे जो युवा युवक हैं वो दिशा को भ्रमित होके दिशाहीन होते जा रहे हैं और हमारी बेटियां, जैसा कि मुझे बताया गया है कि पिताजी का देहांत हो गया, उसके बावजूद में परिवार में बड़ी खुशी होती है कि जब फरुखाबाद क्षेत्र में आते हैं, जब मैं छोटा था मम्मी के साथ अपने ननिहाल जाता था, क्षेत्र से गुजरता था और आज हमारी टीम के द्वारा जब यहाँ बुलाया गया तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि मुझे अपने ननिहाल वाले क्षेत्र में जाने का मौका मिला। वैसे तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, लेकिन यह है कि आप लोगों को बीच में आने का जो मौका मिला वो बहुत प्रशंसनीय है और बड़ा हर्ष है मुझे इस बात का। जैसा कि ये मौका हमारा बाबा साहब की जन्म सदी का है, साथियों ये दिन जो है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, मैं पूरे दलित समाज की बात कर रहा हूँ, एक सुनहरा दिन है। शायद ये दिन और ये महामानव या देश तुल्य व्यक्ति न होते तो हम और हमारा समाज विकास के राह पर नहीं जा सकता।